ये मोर भी रखे हुए हैं ना? मोर यहाँ बहुत काफी सारे होते हैं मोर। अच्छा, पंछी पंछी होता है यहाँ पर। हाँ अभी तो थोड़े हैं ना ये। दोस्तों देखें कि यहाँ पे मोर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखें, ये तो काफी सारे हैं ना। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी शिव मंदिर जो बंद है उसका बता दें। इसकी क्या वजह बनी है दोस्तों? ये ऊपर है शिव मंदिर, ये रास्ता जाता है वो जो ये रास्ता ऊपर जाता है, लेकिन ये अभी बंद किया हुआ है। मेले में ऑन होता है ये, ओनली जब मेला होता है उस दिन शिव भगवान का जब मेला होता है तब इसको ओपन किया जाता है, अदरवाइज उससे पहले मंदिर ये बंद होता है। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं, कुछ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अगेन मैं आपको हिंदी दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये लिखा हुआ है हिंदी। यार में आनी चाहिए थी ना हिंदी, लाजमी होनी चाहिए। हाँ इस तरफ ये कमरे बंद ही हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं यहाँ से, अभी हम जा रहे हैं इस तरफ दोबारा अगले नेक्स्ट इसकी तरफ। ये इस तरफ इतना मुझे ध्यान नहीं है, इस तरफ का लंबाई है जो बता दें, इस तरफ आज आ ही नहीं। ये समाधि स्थान होंगे ना? समाधि है पर ज़्यादातर जान भाई को है वो भी आ ही नहीं आज। अच्छा, यहाँ पे होते हैं पुजारी? जी हाँ। अच्छा नेम वो लग लिखा तो भी है हिंदी में लिखा है। ये सारी समाधि हैं ये भी? जी हाँ ये सारी समाधि हैं। दोस्तों ये बहुत पुराना, जितना पुराना समझें आप उससे भी ज़्यादा पुराना है ये मंदिर। यहाँ पे समाधि स्थान है, ये देखें कितने पुराने पुराने समाधि स्थान हैं, ये देखें इस तरफ सामने के वाशरूम बने हैं जो कि सिर्फ मेले में आन होते हैं। ये जेंट्स वाशरूम है, वो भी वाशरूम है उस साइड पे। जी हाँ ये जेंट्स वाशरूम सिर्फ मेले में आन होते हैं। गुड हो गया, ये काम रोक दिया यार, ये तो होना चाहिए था ना। ये काम रुका हुआ है फिलहाल से, ये काफ़ी टाइम हो गया ये काम रुका हुआ है। दोस्तों ये जो है इस दरिया के दरमियान में जो मंदिर हैं सारे, इनका काम सिर्फ दरियाई फ्लड जो आता है उसकी वजह से रोका गया है। अभी भी कभी पानी का उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से जो है ना मंदिर का, इस मंदिरों का मतलब के काम रोक दिया गया है। ये भी प्लेट लगी है। अभी कहाँ जाना है? बस हो गया ना, ख़त्म हो गया। यहाँ से एंड। अब यहाँ से एंड। यहाँ पे दोस्तों सारे जितने भी मंदिर थे आपको हमने दिखा दिए, तो अब हम चलते हैं वापस की ओर। पानी है ना, अभी पानी से ये स्लिप भी हो जाते हैं बहुत। मोर वो वाला वो भी खुला हुआ है, कुछ देख लें उसमें वो वाला मंदिर। यही मंदिर है अभी ऑन किया है। दोस्तों यहाँ पे मंदिर जो है महर्षि नोल मंदिर, मतलब कि ये श्री वाल्मीकि जी का मंदिर होगा। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं, और मेरे सामने एक अचानक से मोर भी आ गया है, वो मुँह से डर रहा है और मैं उससे डर रहा हूँ। चलते हैं, आपका चरण सेवक मिठू जी छोटा गेट कराची। बंद हो गई थी। महर्षि नोल मंदिर, तो चलते हैं मंदिर के अंदर।
ये भी बढ़िया है यार, ठीक है। आनंद कुमार चलें, अब वापसी का रास्ता, वापसी रास्ता यहाँ पर संत वाणी वगैरह होती है, सब बैठते हैं यहाँ पर, वाणी होती है। अच्छा, यहाँ पे भी वाणी होती है। ये भी समाधि स्थान है, ये वाला ये भी समाधि बनी हुई है। ये पानी कहाँ गिर रहा है? चलो ये भी अच्छा हो गया। और दरिया भी बाद में दिखाते हैं चल के। हाँ, हवा भी अच्छी लग रही है ना इधर, चारों तरफ दरिया है ना, जिस वजह से हवा भी जो है ना ठंडी ठंडी लग रही है यहाँ पे। हाँ, कहाँ से जाना है? जूती तो नहीं है यार, वो जूती नहीं पहनी हुई। खैर कुछ भी नहीं, आगे रास्ता है यहाँ पर, यहाँ पीछे से निकलना है। देख लो कुछ तो। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं जो दरिया का नज़ारा है। हाँ हाँ चलो, ये देखें, जूती भी नहीं पहनी हुई हम लोगों ने, वो भाई भी बगैर जूती के और मैं भी। चलो जी, ये अंदाजन कितनी सदियां हो गई हैं मंदिरों को? मंदिर काफी पुराने हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ये पानी उधर से जा रहा है। यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं? जी हाँ, मुस्लिम भी आ सकते हैं यहाँ, फैमिली है। तो मेले में मुस्लिम अलाउ नहीं है। अच्छा, मेले में तो सिंगल नहीं, जिसकी फैमिली हो वो आ सकता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में कुछ समाधि स्थान था या खाने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ पे समाधि स्थान नहीं है, मेले में यहाँ पर खाने पीने लंगर वगैरह बनता है। अच्छा, लंगर बनता है, ये भी ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं, पीपल के पेड़ भी हैं किस तरह के यहाँ पे, और ये झंडा लगा, झंडे लगे हुए हैं हमारे तरंग। अभी ये हो गया, इस तरफ जो हो गया, ये पहले मैं दूसरी तरफ से आया था, दरिया का किनारा आपको दिखाया था, अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ। चारों तरफ दरिया है और दरमियान में ये बहुत सा बड़ा जो है मंदिर का एरिया है। अभी मैं और आनंद कुमार वापस जा रहे हैं। आनंद कुमार ही नाम बताया ना? आनंद कुमार, बहुत ही नाम ही आनंद है और भाई भी आनंद वाले हैं। तो हम जा रहे हैं वापस। वाह भैया वाह, आनंद आ गया यार आपके साथ विजिट करके ना। मैं जितनी जान थी वो बता दिया। चलो अच्छा है, अच्छा। जिस जगह सेवा करता है बंदा, उसकी जान फुल रखनी चाहिए। हाँ ये तो है ना, जान होनी चाहिए बंदे को। सारा कुछ दिखा रहा हूँ इसमें। ये हो गया दोस्तों पूरे मंदिर का विजिट, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। सारी बाजार होती है इस तरफ, ये बाजार होता है मेले में, इस तरफ सारा इस ग्राउंड में भी, इस ग्राउंड में बाजार होता है, इस तरफ अच्छा। सारा मेले में बाजार लगी हुई है, ये तो बढ़िया बात है। इस तरफ ये भी स्टेट बना हुआ होता है, पीछे जो मैंने आपको बताया वो भी स्टेट बना हुआ होता है। अच्छा, और यहाँ जो जिले की मोटर वगैरह लगे, पानी की सबसे बड़ी यहाँ पर है। अच्छा, अभी अभी मेला हो गया या आना है? मेला अभी आएगा अगले साल, इस तरह अभी तो हो चुका है, इस साल का हो गया जी। अगले साल होली से तकरीबन 20 दिन पहले मेला लगता है यहाँ पर। अच्छा, शिव का मेला लगता है यहाँ पर, और उसके बाद लगता है छठे महीने लगता है, छठे या पाँचवें महीने लगता है। बाबा बनखनी महाराज का मेला सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। ठीक हो गया, बड़ी बात नहीं है। अब ये इसमें क्या है? ये जो है यहाँ पर पानी टंकी है। अच्छा, पानी की टंकी है अभी, ये भी पानी फिल्टर प्लांट है, ये तो गुड हो गया। आप पढ़ते हो क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ दुकान पे होता हूँ। अच्छा अच्छा, गुड हो गया।